अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल ब्रिज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही खास मेहमान, क्लीम सी ऑफ सोर्स का है। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन करंटली सो वो कनाडा में मौजूद है। क्लीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई फॉर द इन्विटेशन, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। क्लीम, आजकल आप कनाडा में हैं, थोड़ा बताते हैं बैकग्राउंड, कनाडा में क्या कर रहे हैं आजकल? आई थिंक सो इससे पहले आप चाइना में पाए जाते थे काफ़ी सालों तक। जी आमिर भाई, बिल्कुल। वेल, कनाडा का जैसे हमारी अर्ली रिकॉर्डिंग से पहले डिस्कशन हो रही थी, कनाडा का एक सडन प्लान बना। आई वाज नॉट रियली प्लानिंग फॉर कनाडा। कोविड के दिन थे, मैं चाइना से पाकिस्तान आया हुआ था, तो आई वाज ट्राइंग टू गेट बैक टू चाइना क्योंकि सोर्स का काफ़ी काम रुका हुआ था, चीज़ें चल रही थी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, टीम के ऊपर चल रही थी, तो मेरा वहाँ पे होना उस वक्त ज़रूरी था। तो आई वाज ट्राइंग टू गेट बैक टू चाइना। टिकट कर रहे थे वो हर महीने कैंसिल हो रही थी, जो फ्लाइट पकड़ते थे कैंसिल हो जाती थी। तो देन आई ट्राइड कि मैं टर्की से वाया टर्की लेके चाइना चलता हूँ, तो आई वेंट टू टर्की। टर्की एक महीना बैठा रहा कि यहाँ से कोई फ्लाइट मिल जाएगी, बट आई कुडंट कैच एनी फ्लाइट। तो फिर दोस्त मेरे होते हैं, पार्टनर होते हैं, मुसवर भाई, वो कनाडा होते हैं इसी सिटी में, वैनकूवर में, तो उन्होंने कहा यार आप देखो कनाडा का, कोई देख लो, यहाँ दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कभी चाइना यहाँ से आते जाते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। तो दैट्स हाउ आई प्लान फॉर कनाडा। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया आफ्टर माई MBBS, इट्स रेलिवेंट टू माई MBBS डिग्री, इट इज़ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ डिग्री, एम ए लीडरशिप हेल्थ केयर। तो दैट्स हाउ आई केम टू कनाडा। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया और बस 6-8 महीने हो गए हैं कनाडा आया हूँ, January 2023 में। तो ये इस तरह स्टोरी है कुछ कनाडा आने की। बट आप सोर्सिंग में काम कर रहे हैं और उसके साथ ये मेडिकल की फील्ड और ये सब कुछ, ये कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आमिर भाई? एक्चुअली मैंने सोर्सिंग वगैरह का बाद में स्टार्ट की। आई वेंट टू चाइना इन 2014 और 2015। मैं तब आई वेंट एज अ टूरिस्ट, बट देन मैंने देखा कि चाइना में पोटेंशियल वगैरह है, तो मैंने कहा चले यहाँ पे MBBS में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि लंबा वीज़ा मिलेगा। और मेरे सिबलिंग्स वगैरह, मेरी दो सिस्टर्स डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो मेरी फैमिली में ऑलरेडी डॉक्टर्स थे, तो मैंने कहा चले MBBS एक जो है घर की एक फील्ड है तो वही पकड़ लेते हैं। तो इस तरह मैंने MBBS जो है स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा यार पोटेंशियल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। मैं तब चाइना में विद इन चाइना ई कॉमर्स कर रहा था, ड्रॉप शिपिंग कर रहा था और कुछ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स का बिजनेस दोस्त है उनके साथ पार्टनरशिप में कर रहा था, तो ये कुछ वेंचर्स वगैरह कर रहा था। तब मैंने एक्सपोर्ट का देखा, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हमें कुछ चाइना से गुड्स वगैरह चाहिए, तो वो प्राइवेट क्लाइंट्स जो है मैंने उठाने शुरू कर दिए और उनको फैक्ट्रीज से सामान वगैरह उठा के देना शुरू कर दिया। उसी दौरान ई कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स में जो है, एक्सट्रीम कॉमर्स में मैंने साइन अप किया एज वन ऑन वन स्टूडेंट जो है, इनकी मैंने फेसबुक ग्रुप वगैरह देखा। तब एक्सट्रीम कॉमर्स के, ये अर्ली 2016 या 2017 की बात है, एक्सट्रीम कॉमर्स के मेन जो ग्रुप है जिसमें अब मेरा ख्याल 1 मिलियन से ऊपर लोग हैं, उसमें 6 या 7 हज़ार मेम्बर थे सिर्फ, और आई वॉज देयर वन ऑफ द अर्लीस्ट वन ऑन वन स्टूडेंट, यंगर वन ऑन वन स्टूडेंट फ्रॉम चाइना। तो जब मैंने देखा अमेजोन सेलर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है क्योंकि तब एक बिल्कुल ही नया ये इनिशिएटिव था पाकिस्तान में ई कॉमर्स वगैरह का, और लोगों को इतना अलीबाबा 1688 चाइना से परचेज करने का नॉलेज नहीं था, वो जो है इतना आइडिया नहीं था। तो वहाँ से फिर एक्सट्रीम कॉमर्स में वो चीज़ देखते हुए मैंने कहा लेट्स गो एंड यू नो इनिशिएट सम कंपनी जो ये सर्विसेज दे सके अमेजोन सेलर्स को। तो वहाँ से फिर सोर्स गए जो है वो उसका एक जन्म हुआ और बस फिर चलते आ रहे हैं। मेडिकल एक साइड पे फील्ड चलती आ रही, बट इसको प्रोफेशन बना लिया और तब से फिर यही चलता आ रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लीम। और इससे पहले आपका क्या, अब अभी मुझे आप पहले बता रहे थे कि आप आई थिंक किर्गिस्तान, राइट? किर्गिस्तान पहले आप रहे हैं, आपने ओ ए लेवल की है, तो सर बैकग्राउंड बता दें कि पाकिस्तान से एक्चुअली आप मूव कब हुए थे, किस कंट्री में गए और उसके बाद फिर चाइना कैसे जाना हुआ? वेल, मैंने पाकिस्तान से सरगोधा से जो है मैट्रिक की थी ग्रेड 10। उसके बाद मैं देख रहा था कि हांगकांग की ऑप्शन देख रहा था, चाइना की देख रहा था कि कहीं बाहर जाना है, अभी पाकिस्तान रुकने का जो है दिल नहीं कर रहा, बाहर एक दफ़ा घूम के आना है। तो मेरा कोई तब तक इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं था, तो वो दोस्तों ने, कुछ दोस्त थे किर्गिस्तान साइड पे, रशिया साइड पे, तो उन्होंने कहा आप जो है किर्गिस्तान आ जाओ, यहाँ पे ए लेवल्स हो जाते हैं, उसके बाद आप MBBS से जो भी करना हो कर सकते हैं। तो इस तरह किर्गिस्तान जाना हुआ है, इट वॉज़ अराउंड 2013 और 2014 उसके आसपास था। तो वहाँ पे गए तो देखा पोटेंशियल वगैरह इतनी नहीं है, आगे फ्यूचर देखते हैं, तो मैंने कहा इधर से एज सून एज पॉसिबल डिग्री करके निकलना है और चाइना की तरफ जाना है।
बस ऐसे फिर चाइना जाना हुआ, किर्गिस्तान से इधर से ए लेवल जो है मैंने वो हाइब्रिड मॉडल टाइप करवा लिया, ऑनलाइन टाइप करवा लिया कि मैं क्लासेस ऑनलाइन वगैरह लेता रहूँगा, और एंड पे कुछ टाइम रहता था और मैं चाइना चला गया। तो वो फिर ए लेवल्स हुआ, उसके बाद फिर मैंने जो है MBBS 2016 में स्टार्ट किया, तो वो 1-2 साल का पीरियड जो है मैं ऑनलाइन डिग्री अपनी ए लेवल्स कर रहा था, और वो करने के बाद फिर MBBS में जो है जाना हुआ। तो ये किर्गिस्तान का ऐसा कुछ सडन प्लान था, चाइना का भी सडन था, तो इट वाज ऑल सडन जैसे कनाडा का भी सडन था। दैट्स सो गुड। और अभी राइट नाउ आपकी एज क्या है? राइट नाउ आई एम अराउंड 26। और 26। टली ट्रैव इंटरनेशनल ट्रैवल आपका कब था? मैंने पहला ट्रैवल 2013 या 14 में किया था, तो 3 और 5 आठ आठ, तो आई वॉज अराउंड 16 16 एट दैट टाइम। जब मैंने मुझे अच्छे से याद है, मेरा पासपोर्ट जो है वो बी फॉर्म होता था, उस पर बना था, आईडी कार्ड अभी मेरा नहीं था बना हुआ। दैट्स वेरी तो दो इम्प्रेसिव, साल 2-3 साल बाद दोबारा मैं पढ़ना तो ऐसा कुछ था। अमेजिंग। सो अकेले रहने का वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था, यानी कि अपनी तमाम चीज़ें खुद मैनेज करना और 16 साल की एज में अकेले रहना? आमिर भाई, इट वाज आई मीन डिफरेंट एक्सपीरियंस, कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि मैं सरगोधा, इट वाज काइंड ऑफ बोर्डिंग पेइंग गेस्ट आप कह लें, इस तरह की एक लाइफ गुजार रहा था, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम चिनियोट, इट्स अ स्मॉल टाउन नियर फैसलाबाद जो है, 30 किलोमीटर है फैसलाबाद से। तो आई वॉज काइंड ऑफ लिविंग इन अ बोर्डिंग लाइफ इन सरगोधा एज वेल, तो वो थोड़ी सी आदत वहाँ से थी मैनेज करने की चीज़ों की, और फिर वो थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की तरफ गए, तो वो एक था बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बट ये था कि मैं 1-2 हफ्ते बाद ही टोटली इंडिपेंडेंट रहना शुरू हो गया, तो वो एक आई डोंट नो हाउ आई मैनेज, बट आई थिंक इट वाज ओके, इट वाज नॉट सो हॉरिफाइंग और एनीथिंग लाइक दैट, आई मीन मैनेज हो गया था। परफेक्ट। आपको इसके पीछे, एक मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी, आप किस मोटिवेशन के पीछे, कि यार आई शुड मूव टू अब्रॉड और मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर लूँ, लोगों के साथ उठू बैठूँ, बिजनेस करूँ, सब कुछ देखूँ? कहीं घर से आपकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ थी, या आपको खुद रियलाइज़ हुआ कि यार बेहतर फ्यूचर के लिए मुझे मूव होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़? आमिर भाई, टू बी ऑनेस्ट, मेरे मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, दे हैव बीन इन इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर डेकेड्स, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही, और उनको यही था कि ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही आए, कुछ CSS की तरफ जाए, या आई वॉज इन एयरफोर्स स्कूल इन सरगोधा, तो उनका था कि चलो एयरफोर्स या आर्मी की साइड निकल जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आ जाए। तो उनका ये दिल था, कि उनका कोई ऐसा दिल नहीं था कि बाहर जाए और बिजनेस वगैरह वाली साइड चले, तो इट वाज सडन, कोई ऐसा था नहीं कि वो घर में वो चीज़ चल रही थी, या इवन आई हैड नो आइडिया कि मैं इस साइड निकलूंगा बिजनेस वाली साइड। मुझे आई ट्राइड कि मैं ISSB या CSS वगैरह वाली साइड चला जाऊँ, बट आई थॉट नहीं यार, मेरे मेरे बस की ये बात नहीं है, मुझे बाहर निकलना है। आई डिडन्ट वॉन्ट टू स्टे इन पाकिस्तान एक्चुअली एट दैट टाइम, मुझे नहीं पता कि वो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे, कुछ मल्टीपल, अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, लेकिन मल्टीपल ऐसी चीज़ें कुछ हो रही थी कि मुझे लगा नहीं यार, आई शुड गो एंड यू नो ट्रैवल अब्रॉड, कुछ बाहर जाके देखता हूँ क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म कुछ इरादा नहीं था कि मैं लॉन्ग टर्म ही बाहर रुक जाऊँगा, मेरा था कि 1-2 साल रह के वापस आ जाऊँगा पाकिस्तान। लेकिन वो लाइफ ऐसे अच्छी अच्छी लगना शुरू हो गई कि इंडिपेंडेंट रहना और खुद मैनेज करना, और जब आप अपना इनकम करते हैं एट दैट एज, आप $1,000 $2,000 एट दैट एज, आप 16 17 है और वो बना रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, आपको यू यू फील प्राउड कि आप यार इतना खुद बना रहे हो और आप पेरेंट्स से नहीं ले रहे, आप अपनी फैमिली को नहीं तंग कर रहे। तो आई थिंक दैट वाज द मोटिवेशन जिसने मुझे बाहर ही रोक लिया कि यार बाहर की लाइफ ही देखते हैं, कि अगर इस एज में मैं इतना बना सकता हूँ तो आई कैन डू समथिंग मोर, आई कैन डू अ लॉट मोर, कि मैं बाद में आगे आके ग्रोथ करूँ। तो ये एक आई थिंक मोटिवेशन थी कि जिसने बाहरी रोक लिया मुझे। परफेक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको बाहर एक्सपोजर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए और अकेले कुछ टाइम गुजारना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि यार ज़िंदगी किस तरीके से मैनेज होती है। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग और स्टडीज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए अकेले बाहर रहना आपको पंक्चुअल बनाता है बहुत ज़्यादा। कलीम, थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं, आपका अभी आप करेंटली सोर्सिंग की सर्विसेज देते हैं और आपका बड़ा इंडस्ट्री के अंदर एक
माना जाना नाम है सोर्सिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सनी भाई का आपने बूट कैंप का भी मुझे बता रहे थे कि आप सनी भाई के पहले वन टू वन स्टूडेंट थे, तो बेसिकली आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था एक्सट्रीम कॉमर्स का और देन उसके बाद अभी तक कैसा रहा सारा जर्नी? मेरे जो कनाडा वाले दोस्त हैं जिनके कहने पे मैं कनाडा आया, एक्चुअली हमारी तब 2015 या 2016 में एक दफ़ा अचानक बात हो रही, तो उन्होंने कहा यार एक FBAPL चीज़ होती है, अमेजोन का एक बिजनेस है, तो वो एक्सप्लोर करो, सुना है बहुत लोग कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मुसहर भाई मेरे भाई हैं, उन्होंने ये चीज़ कही, तो मैंने कहा देखते हैं। मुसहर भाई मैं उसी रात फिर मोबाइल पर देखा बैठा स्क्रोल कर रहा हूँ, तो यही कहीं बात हुई, तो वो आपको पता है फेसबुक वगैरह भी जो आपकी कोई बात हो रही होती है उसके रेलिवेंट ऐड वगैरह आपको कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देते, तो वहाँ से अचानक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स का जो है पोस्ट वगैरह एड्स वगैरह नज़र आने शुरू हो गए। तो एट दैट टाइम जवाद लतीफ होते थे, वो ये सारा मैनेज कर रहे होते थे बूट कैंप वगैरह का, तो मैंने उसी रात उनको मैसेज किया, मैंने कहा आई वुड लाइक टू ज्वाइन, तो मुझे आप बता दें कौन कौन से आपके पास ये टीयर्स हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं जो मैं अवेल कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि बूट कैंप है, वन ऑन वन है, तो उन्होंने पूछा आपकी एज वगैरह क्या है, आप कहाँ से हैं। तो मेरा एक्चुअली नाम कलीम एच के नहीं, मेरा एक्चुअल नाम है हाजी कलीमुल्ला। तो जब मैंने उनको हाजी कलीमुल्ला बताया तो ही वॉज लाइक के कोई बड़ा बंदा होगा बड़ी एज का। तो जब मैंने उनको एज वगैरह बताई तो ही वॉज आई मीन शॉक्ड कि यार आप इस एज पे ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज 19 or 20 or 21 इस एज के आसपास था। तो मैंने कहा यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, पोटेंशियल है इसमें, तो मैं इसमें काम करना चाहूँगा। तो इस तरह मैंने उसी रात वन ऑन वन का जो है उनसे इनवॉइस वगैरह मंगवाई, इनवॉइस वगैरह पे की और वन ऑन वन के लिए मैंने साइन अप कर लिया। उसके बाद मेरी अरसलान भाई हैं, मोहम्मद अरसलान, एक्सट्रीम कॉमर्स में ट्रेनर, तो उनसे मेरी अगले दिन पहली बात हुई थी, तो उनके साथ वीडियो कॉल हुई, तो उनके अल्फाज यही थे कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बाबा मेरे सामने आएगा, मैंने जब नाम देखा हाजी कलीमुल्ला तो आप तो बच्चे हो। मैंने कहा बस अरसलान भाई अब नाम ऐसा है तो, लेकिन काम जो है वो बाबों वाले ही हैं, आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, फिर सनी भाई के साथ बात वगैरह हुई, सनी भाई के साथ पार्टनरशिप हुई एक प्रोडक्ट के साथ, उनसे इक्विटी वगैरह ली, फिर पूल फंड का इनिशिएटिव हुआ, पूल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, मैं अभी तक पूल फंड का मेंबर हूँ, पूल फंड जो वन था उसका अभी तक मैं मेंबर हूँ, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च की। उसके बाद फिर आउटसाइड ईसी भी मैंने कुछ पार्टनर्स के साथ लॉन्च की, तो इस तरह पार्ट बने थे एक एक्सट्रीम कॉमर्स का। फिर एक्सट्रीम कॉमर्स से आगे ग्रोथ होते होते देखें आजकल जितनी भी बातें हो रही हैं, जितना भी बुरा भला हम हर ट्रेनिंग कंपनी या एजेंसी को कह लें, लेकिन एक एक ये जो ई कॉमर्स की जो एक कैलेंड एक इनिशिएटिव आया वो बाकी कंपनी सारी बाद में आई, एक्सट्रीम कॉमर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज या वन ऑफ इट वाज फर्स्ट कंपनी आई वुड से जो ये चीज़ लेके आई, बाकी कंपनीज फिर एक्सट्रीम कॉमर्स को देखते देखते आती गई। तो वो चीज़ है जितना भी बुरा भला कह लें, आई मीन मैं आज जितना बुरा भला एक्सट्रीम कॉमर्स को कह लूँ, लेकिन मैं आज जिस जगह पर बैठा हूँ मेरा नाम अगर कोई कलीम जानता है तो वो एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से, मैं उसी ग्रुप से आगे निकला, लोगों ने जानना शुरू किया। तो I would give credit to Sunny bhai aur Extreme Commerce ke unke wajah se humne itna grow kiya isi field mein e-commerce mein, aur aaj jo hai sourcing ke services wagaira ya jo bhi initiatives hain usse log jante hain follow karte hain, to wo Allah ka shukr hai ji, aur thanks to Sunny bhai and Extreme Commerce, to is tarah ek part bane aur chalte aa rahe hain ji। डेफिनेटली कलीम, नो डाउट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अभी मैं रिसेंटली, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में एक्सट्रीम कॉमर्स के काफ़ी पुराने लोगों के साथ पॉडकास्ट की है, तो वो तमाम वो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं जस्ट लाइक यू। मेरा खुद का करियर जो है ना एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह सनी भाई ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है उसको जो नहीं मानना चाहते वो ना माने, डजेंट मैटर, बट जिन्होंने कमाया, जिनकी पूरी लाइफ बनी है, करियर बना है, उनके थ्रू उनके पूरे फैमिली सिस्टम जो है ना वो फाइनेंशियली डेवलप हुए, तो दे नो कि यार कितना बड़ा इम्पैक्ट था और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुई है, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, इस बात का इनकार कभी बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। और आई वाज इवन डिस्कसिंग विद द वन ऑफ सनी भाई स्टूडेंट आकिब, जिन्होंने अपना अकाउंट फ्लिप किया था मिलियन डॉलर में, आप अगर उनसे भी मेरी ये बात चल रही थी और वो बड़ा अच्छी बात मैंशन कर रहे थे कि यार लोगों का काम है ना शुक्रिया करना, और लोग जो है ना इवन हमारे
इवन बाज़ लोगों की तो आदत होती है कि वो अपने सगे बहन भाइयों से शिकवा शिकायतें करते हैं, ठीक है, तो बाकी लोग दूर की बात है। और अगर ट्रेनिंग कंपनी की बात की जाए, सनी भाई की बात की जाए, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं किसी से ना नबूवत का तकाजा करते हैं, जबकि हमें हमेशा देखना ये चाहिए कि यार कौन कितना अच्छा फैक्टर लेके आ रहा है, खैर का मादा कितना ज़्यादा, दैट्स इट, ठीक है। डेफिनेटली कोई भी बंदा 100% सही नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हो रही हैं तो दैट्स इट। हर कंपनी के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर इंसान के अपने करियर के चैलेंजेस होते हैं, और दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम क्रिटिकली उनका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको जस्ट फॉर द पर्पज़ के यार किसी को डीफेम करना है या किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी है, उसका आई थिंक सो कोई बेनिफिट नहीं है। और ऐसे जितने लोग भी ये काम कर रहे हैं दे आर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, मतलब उनका खुद ज़िंदगी में बेचारों का कभी कोई एक रुपया नहीं बना, कभी एक डॉलर नहीं बना, तो दे कैन डू दैट बिकॉज उनके पास कोई और काम नहीं है। और जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं दे नो के व्हाट सनी भाई और एक्सट्रीम कॉमर्स हैव डन। ट्रू, आई टोटली एग्री विद यू, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और क्या कह सकते हैं, बस यही है कि अपने काम से काम रखें और चलते जाएं, यही कर सकते हैं। इग्नोर करना ही आई थिंक बेटर है, क्योंकि उस नेगेटिविटी का आप भी पार्ट बन जाते हैं, वो चीज़ आपको भी डिस्टर्ब करती है मेंटली। तो आई वुड से कि इट्स बेटर टू जस्ट इग्नोर एंड एग्जैक्टली। चले आगे मूव ऑन करते हैं। कलीम, एक्सट्रीम कॉमर्स का अपना एक्सपीरियंस बताया, देन उसके बाद आपको ये कैसे रियलाइज हुआ कि यार डेफिनेटली आप चाइना के अंदर थे और आपको एडवांटेज था सोर्सिंग का, तो वहाँ पे आपने अपने ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट किए, सप्लायर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया, और कौन कौन सी आप सर्विसेज तब ऑफर कर रहे थे, और राइट नाउ अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ बताएं कि वहाँ पे क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोगों की टीम है, वर्चुअली काम कर रहे हैं या ऑफिस हैं, वो तमाम डिटेल्स ज़रा शेयर करें। हमने जब स्टार्ट किया था, हम बड़ी लिमिटेड सर्विसेज दे रहे थे, तब हम सिर्फ सोर्सिंग के काम के ऊपर चल रहे थे कि किसी को सप्लायर चाहिए तो वो हम आपको ढूंढ के देंगे, फैक्ट्री के साथ बात करनी है वो ढूंढ के, सारी नेगोशिएशन करके आपकी जो टारगेट प्राइस है उसमें आपको प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे और सप्लायर रिलायबल ढूंढ के देंगे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि और भी सर्विसेज दी जा सकती हैं, जैसे इंस्पेक्शन एक इट्स अ बिग पार्ट ऑफ सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, अगर हम कहते हैं कि ऑडिट है सप्लायर का स्टार्टिंग में, अगर सप्लायर के साथ बात हो रही है उसकी रिलायबिलिटी वगैरह जाननी है तो तब हम ऑडिट हमने स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि इन्वेंट्री अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर कोई करवाना चाहता है, क्योंकि कुछ हमारे पास फॉरनर क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा हमें क्वालिटी का इंश्योर करना है, तो वहाँ से हमने ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन शुरू कर दी कि प्रोडक्शन अभी हो रही है और हमारा जो टीम का मेंबर है वो फैक्ट्री जाके शुरू की इंस्पेक्शन मैं खुद करता था, फैक्ट्री जाके हम कुछ रैंडमली प्रोडक्ट्स उठा के उसकी अवेलुएट करते हैं क्वालिटी वगैरह और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है कंपाइल करके क्लाइंट को देते हैं। तो वहीं से फिर आगे हमने देखा कि जब इन्वेंट्री रेडी हो जाती है बिफोर शिपिंग जो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी लोगों को चाहिए होती, तो वहाँ से फिर प्री शिपमेंट कर दी। फिर इसी में आगे और फर्दर पार्ट आते गए, सनी भाई ने जब चाइनीज़ ट्रेडमार्क का जो है वो कहना शुरू किया लोगों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से हमने चाइनीज़ ट्रेडमार्क एक लॉ फर्म के साथ कलेबोरेट करके करना शुरू कर दिया। फिर वहीं से सैम्पल कंसोलिडेशन, एवेलुएशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तो इस तरह की सर्विसेज फिर साथ आती गई और वो फिर वक्त के साथ साथ बढ़ती बढ़ती आज जो है हम अभी तक जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें प्रोक्योरमेंट में सप्लायर सोर्सिंग आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग आ गया, प्रोडक्ट कंसोलिडेशन, एवेलुएशन, फोटोग्राफी, इंस्पेक्शंस किसी भी टाइप की, ऑडिट आ गया, आपको सप्लायर का ऑडिट करना है फैक्ट्री रिलायबल है या नहीं वो जानना है पेमेंट करने से पहले, अगर आप आउटसाइड ऑफ अलीबाबा पेमेंट कर रहे हैं तो वो उसके चक्कर में अगर आपको जानना है कि सप्लायर रिलायबल है या नहीं वो फिर कर रहे हैं। फिर पेमेंट सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं कि अगर आपका कोई चाइना में जानने वाला नहीं है, आपके पास USD या पाकिस्तानी रुपीस पड़े हैं वो आप हमें जो है दे के तो हम आपके चाइना में सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, तो इस तरह की हम सर्विसेज दे रहे हैं। फिर साथ हमने लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स को, जब से मैं कनाडा आया तो हमने देखा काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो FBAPL डन फॉर यू भी हमने स्टार्ट कर दिया, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमने ऑन बोर्ड ले लिए कि जिनका हम A to Z PL प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें मेरे दो पार्टनर्स हैं, एक मुसव्वर अहमद हैं, आतिफ अहमद को सारे लोग जानते हैं, तो हम तीन पार्टनर्स हैं, एक जॉइंट वेंचर है हमारा, तो अब हम उसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं और ओपनली वो सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। अभी तक हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ले रहे थे, तो अब आगे फर्दर तो वो सोर्सिंग से हटके एक PL की तरफ डन फॉर यू के कॉन्सेप्ट पे भी हम कर रहे हैं, तो ये एक मिक्सचर ऑफ सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
दैट्स इंटरेस्टिंग. और आपने ये जो एक बात मेंशन की सोर्सिंग की चाइना में आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, आपने ऐसा सोलो स्टार्ट किया था या आपका कोई पार्टनर भी था? यस, मैंने जब स्टार्ट किया था आई वॉज द ओनली पर्सन. फिर मेरी वहाँ से आगे फर्दर काम करते हुए इसाम शमीम पुराने मेंबर हैं स्ट्रीम कॉमर्स के, बहुत लोग जानते हैं अभी, बहुत अच्छी उनकी जो है एडवाइजेस वगैरह आती हैं एजेंसी ओनर्स को, वो बेसिकली एजेंसी सेटअप वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो वो मेरे पार्टनर हम वीवर सोर्स गए जो नाम है वी को फाउंडेड दिस नेम. एक्चुअली उससे पहले मैं सोलो वैसे ही सर्विसेज दे रहा था, सोर्स गए नहीं थी, तो सोर्स गए का जो नाम है वो वी को फाउंडेड, हमने एक वेबसाइट और वो सारा काम इनिशियली किया वो मिलके किया था. तो फिर थोड़ा टाइम हम साथ में चलते रहे, उसके बाद फिर इसाम भाई थोड़ी और चीज़ों में बिजी हो गया, मैं फिर इसको लेके चलना शुरू हो गया, तो सोर्स गया बेसिकली जो नाम था वो वी को फाउंडेड बोथ ऑफ अस. तो वो शुरू में पार्टनर थे, फिर वो पार्टनरशिप हमारी जो है उनकी कुछ और जो है मसरूफियत थी, तो वो उधर बिजी हो गया, मैं फिर इसको लेके चलना शुरू हो गया, तो फिर सोर्स गया, उसके बाद मैं आई वॉज द सोलो डीलिंग मैनेजिंग ऑल ऑफ इट. परफेक्ट. इसके अलावा कलीम, अगर आप मैं चाइना की स्पेसिफिकली बात करूं कि अगर कोई पाकिस्तान से चाइना मूव हो इस करियर के लिए कि यार मैं वहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद मैं सोर्सिंग के सर्विसेज दूंगा, इंस्पेक्शन और ये तमाम सर्विसेज दूंगा, आप उसके लिए क्या स्कोप देखते हैं? इज़ इट गुड डिसीजन और आपको लगता है कि ये चीज़ें टफ? इट डिपेंड्स एक्चुअली आमिर पे, इट डिपेंड्स. अगर तो एक बंदा है उसने बैचलर किया हुआ है, वो कहता है मुझे मास्टर्स पाकिस्तान में करना है या फिर कहीं बाहर करना है, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि वो चाइना चला जाए, स्कॉलरशिप पे मास्टर्स कर ले. उसकी वजह ये कि वो स्कॉलरशिप में मास्टर्स करेगा तो उसको स्टाइपेंड गवर्नमेंट दे रही होगी चाइनीज़ गवर्नमेंट 3,350 RMB, जो कि $400-500 बनता है, और चाइना में विद दिस मच अमाउंट आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं. तो मैं उस बंदे को रेकमेंड करूंगा कि अगर उसका सप्लाई चेन वगैरह में इंटरेस्ट है, वो मास्टर्स करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के बजाय चाइना को ऑप्ट करे और चाइना चला जाए, स्कॉलरशिप पे जाए, उसको कोई ट्यूशन फी की टेंशन नहीं है, उसको अकोमोडेशन की टेंशन नहीं है, उसको मंथली एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं है, वो स्टाइपेंड पे जी रहा है, लाइफ अच्छी गुजार रहा है, उसका अच्छा लाइफस्टाइल है, साथ वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दे सप्लाई चेन को. बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बहुत अच्छी है अगर एक बंदा चाइना बैठा है. मैं चाइना से इवेंचुअली मूव हुआ हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे टीम सेटअप ऐसी कर दी कि मुझे वहाँ पे बैठना अब ज़रूरी नहीं था, मैं कभी कभी चक्कर लगा लूँ, दैट्स इनफ फॉर मी. मेरी वहाँ पे चाइनीज़ लोकल टीम है जो चीज़ें डील कर रही होती है, जो भी मैं उनको बोल दूँ. तो ये कि आप शुरू में ख़ुद वहाँ पे जाके बैठें, अपना सारा सेटअप करें, उसके बाद आप किसी और वेस्टर्न कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पासपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं, फिर आप चाइना से निकल आएँ. एक ड्यूरेशन 3-4 साल का, 5 साल का आप चाइना ज़रूर रुकें, आपकी एक अच्छी इनकम स्ट्रीम बन जाएगी, उसके बाद आप पासपोर्ट, अगर आपको सेकंड पासपोर्ट चाहिए तो फिर आप कनाडा या कुछ ऐसे कंट्रीज देख लें. तो चाइना का एक अच्छा फैसला है मैं कहूँगा, अगर एक बंदा है वो सप्लाई चेन में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ही शुड गो फॉर दैट. अच्छा, तो कलीम, इसमें आपने स्टाइपेंड का तो मेंशन किया कि आपको वहाँ से जो है ना अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसके थ्रू आप अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं. सोर्सिंग के अंदर अक्सर एक जो बड़ा कॉमन चैलेंज देखा गया ना वो ये कि आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है सोर्सिंग के लिए, यानी कि सप्लायर के थ्रू अगर आपने फिजिकली कोई मीटिंग करनी है या इस तरह की तमाम चीज़ें, तो उन चैलेंजेस को आप कैसे कवर करते हैं? आपको लगता है एक स्टूडेंट इजीली उसको बियर कर सकते? यस, डेफिनेटली. ट्रैवलिंग चाइना में बहुत इजी है, जैसे कि फास्ट ट्रेन वगैरह हम देखते हैं, तो एक स्टूडेंट अगर एक दो दिन भी टाइम निकाले तो वो ईजिली लाहौर से कराची जितना डिस्टेंस ईजिली वो एक दिन में ही वापस शाम को आ सकता है, तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट इन चाइना. और फिर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो स्टाइपेंड में ही कवर कर सकता है, उसके अगर एक दो भी क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स को ट्रैवल के लिए चार्ज कर रहा है, वो सोर्सिंग फी अपनी इतनी ले रहा है, इतने चार्जेस ले रहा है, तो ही कैन डेफिनेटली ईजिली कवर ऑल द एक्सपेंसेस एंड गो एंड यू नो मीट द सप्लायर्स, फैक्ट्रीज एंड कम बैक टू द यूनिवर्सिटी टू इंश्योर द अटेंडेंस. तो वो ईजिली हो जाता है मैनेज, इतना कोई इशू नहीं है उसमें. दैट्स गुड. और कलीम, इसके अलावा आपने मेंशन किया कि आपकी टीम वगैरह भी थी, तो आप लोग फिजिकली काम कर रहे थे वर्चुअली? एक्चुअली क्वेश्चन का बेस ये है कि अक्सर बड़ा कॉमन चैलेंज ये देखा गया कि जब आप डिजिटल एजेंसी बिल्ड करते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उस चीज़ को कैसे कवर कर रहे थे? हम शुरू में वर्चुअली कर रहे थे, फिर हमने फिजिकली ऑफिस बनाया, मज़ा नहीं आया, हमने 6 महीने ऑफिस बना के बंद कर दिया और अब हम वर्चुअली ही कर रहे हैं. क्योंकि अगर ऑफिस बनाते हैं तो सारी टीम प्लस आप जो है स्टक हो जाते हैं एक लोकेशन पे, मुश्किल हो जाता है. क्योंकि हमारी टीम क्या है, हमारी टीम मिक्स है, मिक्स
चाइनीज़ हैं, फिर हमारे एक दो मेंबर टर्की से हैं, फिर पाकिस्तान से हैं, तो वो मैनेज करना, क्योंकि सबका टाइम डिफरेंस होता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो हमने देखा कि वर्चुअली ही लेके चलना ज़्यादा बेटर है। दोबारा हम वापस वर्चुअली ही आ गए उसको, जो हमने वर्चुअल बेसिस पे कर दिया। दैट्स गुड। एंड अभी जब आप कनाडा मूव हुए हैं और उसके बाद आपने अपनी ये नई एजेंसी भी स्टार्ट की, आपको क्या लगता है कि नॉर्मली एक चीज़ ये होती है कि लोग सोचते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ सर्विस के बिजनेसेस में जाया जाए, आपको अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च करनी चाहिए, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो आप सर्विसेज दे सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। मेरे इस वक्त अपने प्राइवेट लेबल भी हैं मल्टीपल, जो मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ एक अलग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट लेबल की सर्विसेज भी दे रहा हूँ। उससे मेरा अपना कैश फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जो मेरे सर्कल में लोग हैं जो मुझे अप्रोच करते थे कि हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो नॉलेज नहीं है, हम पैसे हैं उस पैसे का किस तरह यूज़ करें, हम इतने बड़े इन्वेस्टर भी नहीं हैं कि रियल एस्टेट की तरफ जा पाएँ, हम मिडिल टीयर में आते हैं, तो हमारे लिए कुछ बताओ। तो वो उनको मैं अब केटर कर पा रहा हूँ। शुरू में मैं उनको केटर नहीं कर पाता था, उनको प्रॉब्लम होती थी, मुझे ना करनी पड़ती थी, और उनको फिर लोगों को ये लगता है कि आप खुद पैसा बना रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। तो अभी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जो पुराने लोगों हैं कि इज़ इट स्टिल वर्थ टू डू PL इन 2023। डेफिनेटली तो आई वुड से यस, डेफिनेटली PL कभी ख़त्म नहीं हो रहा, मैं नहीं कहूँगा। PL एक बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा ख्याल है एक पुराना जो PL था उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, नए PL में कम लगते हैं। पुराने PL में हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी, गिव अवेज करना, वो सब करना, अभी कम होती है। तो मैंने स्टार्ट यही देख के किया था कि मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और हम कुछ करना चाहते हैं उस पैसों का, हमारे पास बस वो एक जो है सिटिंग में पड़े हैं, हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे, बैंक में हम कितनी देर उसको रखेंगे, तो हमें उस पैसे का कुछ यूज़ करना है। तो वो उनके लिए एक सर्विस मैंने लॉन्च की कि अपनी सराउंडिंग में जो जानने वाले लोग हैं उनको केटर कर सकूं और उनका कुछ ना कुछ इनकम स्ट्रीम का एक पैसिव जो है वो कर सकूं। तो दैट वाज द रीज़न। तो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपको PL है, आप सर्विसेज दे सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। परफेक्ट। अच्छा करीम, एक सोर्सिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मैंने मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग थे, हमारे ग्रुप है, सो उससे मुझे क्वेश्चन मिला था व्हेन आई अनाउंस किया यार मैं कलीम के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि यार नॉर्मली जो एक और बड़ा जो चैलेंज है ना वो ये रहता है कि जब आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोग एक सप्लायर पर डिपेंड करते हैं। आपको क्या लगता है कि बीइंग अ प्राइवेट लेबल ओनर आपको एक आधे सप्लायर के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए या आपके पास पाइपलाइन में दो तीन मजीद लोग होने चाहिए? मैं इस पे ना आपको अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं रिसेंट जो मेरा अपना PL है उस पे हमने क्या चैलेंज फेस किया। जब तो आपकी एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, तो मैं एक शॉर्ट सा बोलूँगा कि यस, यू शुड हैव सम बैकअप सप्लायर्स एज वेल। आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये क्या है कि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च की, एक सप्लायर जिसके साथ मैं डील कर रहा था उसकी जो कैपेबिलिटी थी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, वो एक सर्टन नंबर था कि इतने यूनिट्स मैं मंथली बेसिस पे कर सकता हूँ, और मेरी सेल जो है वो एक हफ्ते की थी जो उसकी महीने की कैपेबिलिटी थी कि मैं इतने मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे सप्लायर्स बैकअप पे चाहिए थे, तो वहाँ से मुझे फिर फर्दर जल्दी जल्दी सप्लायर्स निकालने पड़े, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। अभी लॉन्च शुरू में की थी, हम इस तरह करते हैं कि हम जब लॉन्च हो जाती तो फिर साथ साथ बैकअप सप्लायर्स देखते रहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की थी तो इसने एकदम हमें शॉक कर दिया। सेल इतनी आना शुरू होगी कि हमें आपकी वीडियो रुक गई है, दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं आ गया? ओके ओके। तो वो हमने देखा कि यार हमें हमेशा बैकअप सप्लायर शुरू में होना चाहिए। लॉन्च हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास बैकअप सप्लायर्स होने चाहिए जिनकी इतनी कैपेबिलिटी हो कि आपको वो इन्वेंट्री रेडी करके दे सके। तो अब वो उस सप्लायर की मैक्सिमम एक नंबर था जो हमारा वीकली सेल थी, तो हमें प्रॉब्लम बनी, हमें जल्दी जल्दी सप्लायर और देखने पड़े, उनसे प्रोडक्ट उठानी पड़ी। तो अब हमारे पास उस एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए एट द सेम टाइम हम तीन सप्लायर से जो है इन्वेंट्री उठा रहे हैं, तीनों सप्लायर्स, एक से हम एक हफ्ते में प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं, दूसरे से दूसरे हफ्ते की उसकी मंथली कैपेबिलिटी पूरी हो जाती है तो हम दूसरे से उठाना शुरू कर देते हैं, दूसरे की पूरी होती है तीसरे से उठाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी लोगों को कहूँगा जो प्राइवेट लेबर कर रहे हैं, आप क्रेडिट टर्म्स भी सप्लायर्स के साथ एक्सप्लोर करें। अब हमारे तीनों सप्लायर्स हैं, हम तीनों के साथ क्रेडिट टर्म्स पे हम काम कर रहे हैं, हम किसी को भी पैसे जो है पूरे नहीं देते, हम सिर्फ एडवांस दे रहे हैं तीनों सप्लायर्स को, और हमारा जो बैलेंस होता है 70% वो हम 80 days, 70 days, 60 days के बाद दे रहे हैं। प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चर होगी, हमारी प्रोडक्ट 15 दिन में मैन्युफैक्चर हो रही, 15 दिन में मैन्युफैक्चर होने के बाद 30 दिन में FBA वेयरहाउस पहुंच रही है, 45 दिन तक प्रोडक्ट
बिकना शुरू हो जाती है, अगले 30 दिन में हमारा वो बिक के पैसे वापस आते हैं, उसी पैसे से हम उठा के सप्लायर को दे देते हैं। तो हमारे अपने पैसे सिर्फ 30% इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हमारा अपना पैसा लग ही नहीं रहा। तो वो एक तो मल्टीपल सप्लायर्स का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम इन्वेंट्री भी ज़्यादा उठा पा रहे हैं, हमें आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना पा रहा, और क्रेडिट टर्म्स हमें और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं कि हमें पैसे अपने नहीं लगाने पा रहे। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि बैकअप सप्लायर्स होने चाहिए, तो यस प्लीज़ होने चाहिए, एक सप्लायर्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। साउंड्स गुड, ये बड़े आपने जो है ना अच्छे इंसाइट्स शेयर किए हैं। आई थिंक सो कि नॉर्मली लोग ही अक्सर ये चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं और उनको इस चीज़ पे बड़ी, क्योंकि सोर्सिंग जो है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, वो किसी भी पीएल का सबसे आई थिंक सो कि 80% आपकी लोन जो है ना वो इस पर डिपेंडेंट होती है, आपके मार्जिन के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर। ये बिल्कुल आपकी कोर है, इस पर आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इसमें जो है ना चीज़ों को फास्ट होना और अच्छे सप्लायर होना, आपके पास टाइम पे चीज़ों को प्रोसीड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ के आप जो है ना बड़े इजीली डी रैंक हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट एक तकरीबन 1.5 साल पहले हमने एक लॉन्च की थी, तो उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा था कि मेरी तकरीबन 800 यूनिट मैंने पहले ऑर्डर किए थे और वो जो है ना तकरीबन पहले 45 डेज के अंदर सेल हो गए थे, ठीक है। बट जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो हाई प्राइस थी प्रोडक्ट की, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 3.5 मंथ लगेंगे एज़ पर माई कैलकुलेशन। बट वो जब जल्दी उसकी हुई ना, क्या नाम है, सेल्स हुई और वो आउट ऑफ स्टॉक जाने लगी थी, तो मैंने हाई प्राइस करके रोक दिया। और मैं जब सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट किया, मैं सप्लायर को कहा कि यार हमें इसकी ना मैन्युफैक्चरिंग फास्ट चाहिए, ठीक है, उसकी रीज़न ये कि आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन सप्लायर ने मुझे आगे से यही सेम एक्सक्यूज़ था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है वो इससे ज़्यादा लिमिटेड है, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देन फिर मुझे टाइम लगा नया सप्लाई ढूंढने में हमारी टीम को, और उसके बाद जाके नए सप्लाई के साथ हमने प्रोसीड किया, और उसके चक्करों में हमारी प्रोडक्ट अच्छी खासी डी रैंक हुई थी और हमें उसका बड़ा लॉस भी उठाना पड़ा था। तो डेफिनेटली ये बड़ा एक कॉमन चैलेंज है जिसको जो है ना आपको टाइम पे कवर करना बहुत ज़रूरी है। कलीम, अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा कैनेडा के बारे में बताएं कि आपने आई थिंक सो अभी रिसेंटली एक ग्रुप स्टार्ट किया था जिसके अंदर आप लोगों को हेल्प आउट करें कि किस तरीके से वो कैनेडा मूव हो सकते हैं, तो इस पे थोड़ा बताएंगे क्या आप प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, ग्रुप लॉन्च किया है कैनेडा इमिग्रेशन बाय कलीम एच के। उसके लॉन्च करने की ये वजह थी कि कैनेडा के ऑलरेडी ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं फेसबुक पर, लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारी ई कॉमर्स की एक कम्युनिटी है उसको कोई केटर नहीं कर रहा, उनके जो क्वेश्चन हैं उसको किसी को नहीं पता कि इसको कैसे आंसर करें। तो वो उस ग्रुप का लॉन्च करने का मकसद एक ये था कि हमारी जो ई कॉमर्स की कम्युनिटी है उनको मैं केटर कर सकूं। तो उसका एक लॉन्ग टर्म यही मैं सोच रहा हूं कि इधर मल्टीपल मेरे इमिग्रेशन लॉयर्स वगैरह हैं, उनके साथ बात हो रही होती है। इवन मेरी कल जो है पाकिस्तान मिडनाइट के अराउंड मीटिंग है इमिग्रेशन लॉयर के साथ। तो यही वजह है कि हम सोल्यूशंस निकाल सकें, जो ई कॉमर्स कम्युनिटी है उनको अगर इमिग्रेट कैनेडा होना है तो उनके लिए कौन सी वेज हैं, कौन से रास्ते हैं कैनेडा इमिग्रेट होने के। तो वो ग्रुप का एक मकसद यही है कि उसको ग्रो किया जाए। किसी को स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिगार्डिंग क्यूरी है तो वो पूछ सके, किसी को ई कॉमर्स कम्युनिटी से जो है स्टार्टअप वीज़ा या कोई भी ऐसा वीज़ा है जो उनको क्यूरी है तो वो उधर डाल सकते हैं अपनी क्यूरी। तो मेरा यही एक एंड गोल यही है कि मैं ट्रैवल करूँ, अपनी डिग्री से फ्री होके कैनेडा में ट्रैवल करना शुरू करूँ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ग्रुप में डालना शुरू करूँ। जो जिस तरह के एक सनी भाई ने इकोसिस्टम बनाया था कि बाहर के लोग डालना शुरू कर दिए थे इन्वेस्टर, और एक पाकिस्तान में जो वर्किंग पार्टनर है उनको मिलाना शुरू कर दिया था, तो इसी तरह का एक सिमिलर जो है गोल है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ट्रैवल करूँ, हर यूनिवर्सिटी का एक बंदा ग्रुप में हो ताकि उस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिकली किसी की क्यूरी हो तो वो आंसर कर सके। तो इस तरह का एक है कि इसको जो है कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि जो भी ई कॉमर्स कम्युनिटी के क्वेश्चन हों वो केटर किए जा सकें। एग्जैक्टली कलीम, आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बड़े अच्छे गैप को आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे लोगों को ये इशू फेस हो रहा है कि वो हमारी कम्युनिटी के अंदर स्पेशली लोग जो है ना वो मूव होना चाहते हैं, इधर उन बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, और इसके अलावा जो मास्टर की डिग्री के कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर उनकी स्पेसिफिक क्यूरीज को सॉल्व आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच कलीम, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही आपसे। कुछ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्विक पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ट्रैवलिंग अभी तक आपने की है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपकी फेवरेट है, जिसने आपको एज अ पर्सन आपकी ग्रोथ में बड़ी हेल्प आउट की है, जो आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि यार एवरी वन शुड स्पेंड सम टाइम इन चाइना, कैनेडा और एनी कंट्री? मैं अभी भी जिनसे बात होती है मेरी कैनेडा आने के बाद, तो वो पूछते हैं, जो भी दोस्त वगैरह पूछते हैं कि
कनाडा पसंद आया? मैं कहता हूँ नहीं, कनाडा पसंद नहीं आया, मेरा एंड गोल है वापस चाइना जाना, मैं कनाडा से पासपोर्ट लूँगा, आई विल गो बैक टू चाइना। वाई चाइना? चाइना में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, चाइना में एक्सपेंसेस बहुत कम है। आई वुड से एक्सपेंसेस चाइना में पाकिस्तान से भी कम है। लेकिन एक एवरेज बंदे के पाकिस्तान में लाइक एज़ पर माय नॉलेज, हमारा जो इकोनॉमिक कम्युनिटी अलग जाता है। मैंने ये सुना है कि चाइना में एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है। नो, चाइना में एक अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं तो आपको पाकिस्तान से कम एक्सपेंस हो रहा होता है। ये मेरी बात जो चाइना में रह रहे हैं लोग वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो भी हमारे ई कॉमर्स कम्युनिटी से रिलेवेंट लोग हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, चाइना में एक्सपेंस कम होता है आपके पाकिस्तान से। चाइना में आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मैं रिसेंटली लाहौर आफ्टर कोविड रहना शुरू किया था, तो आई वॉज़ पेइंग अराउंड, मैंने एक रेंट किया था घर वहाँ पे, तो आई वॉज़ पेइंग 60-70,000, तो वो 60-70,000 बन जाता है 2-1,000 RMB जो है चाइनीज करेंसी में, 1,500-2,000 RMB बन जाते हैं। तो मैं अब जब चाइना रह रहा था तो मैं वहाँ 2-bedroom फर्निश्ड विद एयर कंडीशन किचन, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, TV, LCD, टोटली फर्निश्ड वो अपार्टमेंट था, इट वॉज़ अ न्यूली बिल्ट अपार्टमेंट। आई वॉज पेइंग 1,200 RMB फॉर द होल अपार्टमेंट, 2-bedroom अपार्टमेंट फर्निश्ड। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, उससे उसके बाद मेरा बिल वगैरह का एक्सपेंस 100-200 RMB मंथली आ जाता होगा, तो आई वॉज पेइंग अराउंड 1,300-1,400 RMB, और एक अच्छी लग्जरी लाइफ थी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आई वुड से कि मैं जब जब पाकिस्तान गया हूँ मेरा पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, मैं जब जब चाइना रहा हूँ मेरा चाइना कम एक्सपेंस हुआ है। अब मैं कनाडा का देखता हूँ, बींग अ सिंगल पर्सन, तो मेरा कनाडा में इजिली $2,000 कनेडियन डॉलर एक्सपेंस हो रहा है मंथली। 2,000 कनेडियन डॉलर इज 10,000 चाइनीज़ करेंसी, 10,000 RMB। 10,000 अगर चाइना में मैं लगाता हूँ तो आई कैन हैव इलीट लाइफ इन चाइना। चाइना में तो इधर इट इज़ अ मिडिल क्लास आप कह लें, वो $2,000 में बड़ी लिमिटेड सी लाइफ है। यही $2,000 मैं चाइना में लगाता हूँ तो एक बहुत अच्छी लाइफ, बहुत लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ। तो मेरा एंड गोल यही है कि वंस आई गेट कनेडियन पासपोर्ट, आई विल बी मूविंग बैक टू चाइना। मैं कनाडा, बिल्कुल कनाडा के साथ टाइज रखूँगा, आता जाता रहूँगा, मेरा बिल्कुल यहाँ पे प्लान्स हैं रियल स्टेट वगैरह करने का, फर्दर बिजनेसेस करने का, येस, बट आई विल बी लिविंग इन चाइना, आई वॉन्ट बी लिविंग इन कनाडा आफ्टर गेटिंग द पासपोर्ट। I'll visit occasionally, yes, but I'll be living in China regular basis. वो China ही होगा, and China is my favorite country, which really helped me grow myself. मुझे potential एक दिखाई मेरे में China में कि ये तुम्हारे में potential है, तुम ये काम कर सकते हो। I had no idea कि मेरे में ये potential है, China ने वो चीज़ें मुझे दिखाई। तो China मेरा favorite country हमेशा रहेगा। Very amazing. And normally एक और जो issue लोग mention करते हैं वो ये कि China में food का बहुत issue है, तो वो लाइक क्या आपको देसी फूड इजीली एक्सेस हो जाता है? ये बिल्कुल इशू है, स्ट्रगल है फूड की एक बहुत ज़्यादा। फिर वो कि लोग उससे, कुछ सिटीज़ हैं जैसे हमारी ई कॉमर्स कम्युनिटी का अगर कोई मूव होता है तो फिर सिटीज़ हैं जैसे ईवू एक सिटी है, बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं वहाँ पे, फैक्ट्रीज हैं सराउंडिंग्स में, और उधर देसी फूड बहुत ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे। इवन आपको पाकिस्तानी नाई मिल जाते हैं जो आपको बाल वगैरह कटवाने हैं तो वो मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जो है, आई वुड से कि आप ऐसे किसी सिटी में मूव होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं देसी फूड की, वरना फिर आपको स्ट्रगल होती है। फिर चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे, आप उनका जो भी राइस वगैरह वो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप खाते हैं, लेकिन ये कि आपको चाइनीज़ फूड जो है उस पर यूज़ टू होना पड़ता है, खाना पड़ता है, फिर ही आप चाइना में रह सकते हैं, वरना इट्स हार्ड टू लिव इन चाइना व्हेन इट कम्स टू फूड। यस, परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट वेदर, नॉर्मली क्या मौसम रहता है चाइना? वेदर इज़ गुड, कोई वो नहीं हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी। आई वुड से कि मिक्स वेदर है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है पाकिस्तान की तरह। सर्दियों में थोड़ी सिटीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ सिटीज़ में अब जैसे चाइना में है लियोनिंग प्रोविंस, शनयांग सिटी, वो साइड है, वो पूरी कनाडा की तरह का वेदर होता है, उधर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इन विंटर्स, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होती है। फिर कुछ सिटीज़ आ जाते हैं वुहान जैसे, जहाँ स्नो बहुत कम पड़ती है, इवन विंटर्स में रेयर होती है, एक दो दफ़ा पड़ गई, दैट्स इट। फिर शियान जैसा सिटी है, उधर थोड़ी बहुत स्नो पड़ती है, बट बाकी जो है समर्स वगैरह, स्प्रिंग वगैरह बहुत अच्छा वेदर होता है। तो वेदर इज़ नॉट एन इशू इन चाइना, आई डोंट थिंक सो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच कलीम, बड़ी अच्छी आपने हमारे साथ जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और हमारे व्यूअर्स को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन कलीम, कोई एक अच्छी एडवाइस जो आपको कभी किसी ने दी और आपको लगा हो कि यार दिस इज द बेस्ट एडवाइस जो मुझे आज तक मिली है? ट्रैवल, आई वुड से दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस, ट्रैवल। आपका
पैसा वापस आ जाएगा। ट्रैवल करें आप, आपको ट्रैवल इतना कुछ सिखाता है कि आप, मैंने जैसे बोला कि मुझे नहीं था पता मेरे में ये पोटेंशियल्स थी, मैं ये कर सकता था, आई हैड नो आइडिया व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मुझे वो ट्रैवल ने सिखाई। ट्रैवल ऐसी चीज़ है जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करते हैं जो आपको पाकिस्तान बैठे हुए कभी भी नहीं मिल सकती। आप एक मुल्क जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे देखते हैं ऑन ग्राउंड जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, देखने को मिलती हैं, वो आपको कभी भी दूसरे मुल्क में बैठे हुए नहीं मिलेंगी। तो ट्रैवल ज़रूर करें, चाहे एज अ टूरिस्ट आपने करना है, प्लीज़ ट्रैवल। ट्रैवल से बहुत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इवेंचुअली वो आपको ग्रोथ करेगा और पैसा बनेगा आपसे, ट्रैवल में बनेगा पैसा। दैट्स परफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वॉट अबाउट कोई ऐसी वर्स्ट एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो, आपको सुनने के बाद लगा हो कि यार ये मुझे नहीं सुननी चाहिए कनाडा मूव हो जाए। जस्ट किडिंग, लेकिन कनाडा के बुरे हालात हैं। किसी ने अगर आना है तो बहुत सोच समझ के आए। इट्स वेरी हार्ड, लाइफ इज हार्ड, इट्स नॉट इजी। आई वुड प्रेफर कनाडा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वगैरह आपको नहीं आता, और अगर आपका सिर्फ पासपोर्ट लेना ही गोल है तो देन कम टू कनाडा। 2-4 साल आपको बहुत स्ट्रगल होगी, लेकिन कनाडा फिर आपको पे ऑफ भी बहुत अच्छी तरह करता है। मॉर्गेज वगैरह पे घर उठाने हैं वो उठा लें, मतलब लॉन्ग टर्म देखें तो कनाडा बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म आपने कनाडा आना है तो डोंट कम, शॉर्ट टर्म आपके लिए कनाडा नहीं है। पासपोर्ट लेने हैं दैट्स गुड, पासपोर्ट लेके अगर आपको कनाडा रहना है, अच्छी जॉब वगैरह होगी, ओके, क्योंकि कनाडा में मसले बने हुए हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। रिसेंटली सुसाइड केसेस भी आए हैं कनाडा के स्टूडेंट्स ने, जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं, रिसेंटली 1-2 वीक में सुसाइड केसेस हैं, तो हैं इशूज़। तो किसी ने आना है तो सोच समझ के आए। इतना आपके पास जेब में हो कि आप अगर जॉब शुरू में आपको नहीं भी मिलती कुछ टाइम, तो आप अपने आप एक्सपेंसेस बेयर कर सकें। तो यही मैं कहूँगा, मजाक कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन ये इट्स अ गुड कंट्री। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा बनाना है तो बहुत अच्छा कंट्री है, बट शॉर्ट टाइम इट्स नॉट अ गुड कंट्री। परफेक्ट। एंड कैन यू व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ यंग बच्चे हैं जिनके पास अभी अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? डिजिटल स्किल्स की तरफ जाना चाहिए या फिजिकली कोई बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको आमिर भाई, सबसे पहले तो अगर वो कोई डिग्री वगैरह कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप पे कोई डिग्री निकालनी चाहिए। कहाँ पे वो विदाउट पेइंग एनीथिंग जा सकते हैं, जैसे कि चाइना इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस कि आप जहाँ पे विदाउट पेइंग एनीथिंग आपका बहुत मिनिमल से एक्सपेंस होता है आप जा सकते हैं। और फिर आप ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर उसके अलावा कॉन्टेंट राइटिंग, जैसे मेरी कम्युनिटी में, डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स कॉन्टेंट राइटिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। तो ऐसी बहुत सी फील्ड आ जाती हैं। फिर पैसे नहीं है तो आप ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके पास अभी अमेज़ॉन की जो नीच में जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप पीपीसी सीख लें, पीपीसी बहुत बहुत अच्छा जो है पेइंग फील्ड है, आपको बहुत बहुत अच्छे पैसे बना के देगा। तो इस तरह के मल्टीपल सर्विसेज हैं। फिर एफिलिएट की तरफ आ जाएं आप, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम एज अ सोर्स गए, हम एफिलिएट जो है कमीशन देते हैं अगर हमारे पास कोई क्लाइंट भेजता है, तो ऐसे आप मल्टीपल कंपनीज के साथ जुड़ जाएं और उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करें, आपको कमीशन मिलेगा। तो बहुत सारी, मेरा ख्याल है एक अगर बच्चा इरादा बना लेता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे जानने एक मेरे सर्कल में दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया था और उनके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज, कोई डिजिटल साइट का नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने यूट्यूब से सीख सीख के जो है एटसी का नॉलेज लिया और उन्होंने पार्टनर्स बनाए गोरे, और वो 50-60% अपना मंथली बेसिस पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट बनाती हैं, अपना कमीशन लेती हैं, अपना शेयर जो है वो लेती हैं उसमें से। तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है, एक दफ़ा आप आ जाएं इस साइड, डिजिटल साइड, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। बस थोड़े कंसिस्टेंट होके चलें, नेगेटिव साइड पे मत जाएं। नेगेटिव ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम बनेगा, आपको सिर्फ बुरा ही दिखाया जाएगा कि इस डिजिटल साइड पे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ज़रूर आएँ, एक दफ़ा खुद आके देखें, फिर आप फैसला करें कि इसमें है या नहीं। डेफिनेटली क्लीन, बिल्कुल ऐसे ही है। डिजिटल स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, बाहर मूव नहीं होना चाहते या हो नहीं सकते जो भी उनकी रीज़न है, उनके लिए आई थिंक सो डिजिटल स्किल्स बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक लैपटॉप के ज़रिए, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है, तो आप इजीली अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान के अंदर रहते ही अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और
सबसे एक और जो बड़ा एडवांटेज है कि वो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं डिजिटल स्किल के साथ। अब देखें जैसे आपकी स्किल है, अगर आप किसी फिजिकल बिजनेस में इन्वॉल्व होते तो आई एम वेरी श्योर कि आप पाकिस्तान से बाहर भी मूव नहीं हो सकते और चाइना से बाहर भी आप मूव नहीं हो सकते थे मास्टर के लिए, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस ना होता। जो सनी भाई अक्सर हमें सिखाते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ जाएँ, ठीक है, जिसमें आप लोग ईजिली एक लैपटॉप उठाएँ, इंटरनेट आपके पास हो और आप अर्न कर सकें, दैट्स इट। तो आई थिंक उसके बड़े बेनिफिट हैं फिर। लोकेशन इंडिपेंडेंस इट्स अ ह्यूज थिंग, लोकेशन इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच कलीम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इट वाज रियली अ नाइस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आई एम ऑनर्ड आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप कि हमारी इस कन्वर्सेशन से लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, आई रियली होप सो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, दे कैन ऑलवेज रीच मी आउट, आई विल ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड जितनी जल्दी मैं कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेयर टू बी here in your podcast, to be a part of your podcast. Thank you so thank much. Thank you, Kaleem. And definitely, I would like to mention your link in description. आपकी company का भी हम link इसमें mention कर देंगे। अगर कोई भी आपसे contact करना चाहे या service लेना चाहे, definitely they can contact you. Thank you so much, Kaleem. Allah Hafiz.